हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बिरकार्ट नीटिंग। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट, जो कि एक छोटी सी बेबी की फ्रॉक है। ये फ्रॉक 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को आसानी से आ जाएगी और बहुत सुंदर फ्रॉक है। ये देखिए आप, बिल्कुल कितना सुंदर फ्लेयर बना हुआ है। नीचे से बॉटम बहुत सुंदर लग रही है और बहुत ही स्मार्टनेस से इसकी बाजू बनाई गई हैं। डिजाइन इसका आगे पीछे देखिए अप्लाई किया गया है। जैसे जैसे हमारा पैटर्न चलता है उसी के हिसाब से हमने डिजाइन को बनाया है। और यहाँ पर मैंने बेल्ट बनाई है और बेल्ट एडजस्टेबल बनाई है। इसमें डोरी डाली हुई है मैंने, पीछे मैंने पॉम पॉम लगा दिए हैं ताकि अगर कोई बच्चा को एडजस्ट करनी पड़ जाए तो कर सकते हम। और यहाँ पर मैंने एक बात मैं पहले आपको बता देती हूँ, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हुई हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ से हमारी जो नीचे वाला पार्ट है वो पहले बनता है। ये पार्ट जहाँ पर जब हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं ना, तो सिंगल धागे से करने हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये फ्रॉक कहाँ से शुरू हुई है। ये देखिए, ये नीचे वाला पार्ट है, ये अपर वाला, ये अलग अलग बने हुए हैं। और बैक साइड में मैंने ऐसे ये देखिए बटन पट्टी बना के जहाँ पर बटन लगाने हैं। तो गले की फिनिशिंग देख लीजिए, गले को कैसे बनाना है हमने, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप स्टार्टिंग से लेके वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी मैंने इसकी कैप बनानी है, वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। पहले ही मैंने सारी फ्रॉक को एक ही वीडियो में अपलोड करना है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में भी परेशानी होती है। तो और ये है देखिए कि मैंने कितने शानदार तरीके से इसकी बाजू बनाई है, बहुत ही स्मार्ट लग रही हैं और सिलाई की है इसकी बहुत स्मार्टनेस से। तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हमने कहाँ से क्या करना है। देखिए कितनी शानदार फ्रॉक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। और इसके साथ जो आने वाला वीडियो है इसका कैप का, उसको भी आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा और उसको भी आप अपना इतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप इसको देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पार्ट बना लिया है। इसको आप फ्रंट साइड बोल लीजिए या फिर बैक साइड बोल लीजिए, एक पैनल है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 59 स्टिचेस हैं जो कास्ट ऑन किए हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो 59 स्टिचेस कास्ट करने के बाद हमें इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 5, 2 पार्ट हैं जो हमारे हाफ बने हुए हैं और बीच में है जो 3 पार्ट है हमारे, 3 कलियां हैं जो वो फुल बनी हुई हैं। तो इनको हमने डिवाइड कैसे करना है, पहले हमने पहली कली है जो 8 फंदों की बनानी है, उसके बाद ये वाली कली है जो 13 फंदों की है, ये वाली भी 13 फंदों की है, ये वाली भी 13 फंदों की है, और ये लास्ट है जो ये फिर से 8 फंदों की कली है। और बीच में हमने ऐसे ऐसे धारियाँ बनाई हुई हैं जाली बनाने के लिए, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एक फ्रॉक का लुक आया हुआ है इसमें, तो हमने ये फ्रॉक बनानी है, फ्रॉक का जो बॉटम पार्ट है ना, तो वही हमने बनाना है। तो इसके लिए हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो इसके लिए हमने ऐसे 59 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। और स्टार्टिंग से ही हमने ये बनाना शुरू कर दें, इसमें कोई भी हमने उल्टी या सीधी रो नहीं बनानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सस्पेंस है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 फंदे सीधे सीधे बना लें। दो, 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है,
इस फंदे के साथ हमें जाली डालनी है, ऐसी बुन लिया, एक जाली हो गई। धागा फिर से आगे करेंगे, इस फंदे की दोनों साइड हम जाली डालेंगे, एक जाली तो हमने डाल ली, एक जाली यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 8 फंदे बुने हैं, अब मैं 13 फंदे बुनूंगी। जाली भी डाल ली और एक फंदा बुन लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फंदे बनाने के बाद धागा फिर से अपनी तरफ कर लेंगे और ये वाला जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है, हमने ये वाली धारी जो बन रही है इसकी दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। एक जाली, फिर से 13 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फंदे फिर से मैंने बनाए। सेंटर में एक जो कॉमन है स्टिच हमने ये लेना है, इसकी दोनों तरफ हमने जाली डाल दी, ऐसे फिर से 13 फंदे बनाऊंगी और लास्ट में मेरे फिर से 8 फंदे बच जाएंगे। ऐसे मैंने ये रो कंप्लीट कर लेनी है और उल्टी तरफ से हमारी पूरी रो उल्टी ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। 13 फंदे बनाने के बाद फिर से एक फंदे के दोनों साइड हमने जाली डालनी और लास्ट में मेरे 8 फंदे बचने चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मेरे फंदे बिल्कुल सेट हैं, पूरे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई मुझे। तो मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है कि कैसे हमने 5 पार्ट बनाने हैं, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी, इसमें कोई डिजाइन नहीं आएगा। और जो मेरी वूल है वो बेबी वूल है और 10 नंबर की रो सिलाइयाँ हैं जो मैं उस पर बना रही हूँ। तो ऐसे ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, वापस आती हूँ सीधी साइड। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ राइट साइड। राइट साइड में मेरे अब फंदे बढ़ चुके हैं, तो देखते हैं। पहले मेरे फंदे 8 थे यहाँ पर, अब यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे बनाने हैं हमने, 8 और 9। वैसे तो 9 हो गए हैं, पहले 8 थे हमारे। 2 का क्या सस्पेंस है इसमें, हमने यहाँ पर जाली भी डाल दी है और रो भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन फंदा नहीं बढ़ाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर वाला फंदा है, ये वाला हमारा सेंटर वाला फंदा है, 1, 2 फंदों को छोड़ के तीसरा फंदा है जो, वो वाला हमारा ये वाला फंदा है जिसमें हमारी जाली बन रही है, ये वाला। तो हमने यहाँ पर जाली भी बनानी है, डिजाइन डालना है जाली के, लेकिन फंदा नहीं बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे, 8 और 9 फंदों को, 8 और 9 वाला फंदा है जो, उसको हमने 2 का 1 कर देना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है। इस फंदे की दोनों साइड हमने फिर से जाली डालनी, ऐसे फिर से धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। आप फिर से देखिएगा, ये वाले फंदे हम बीच में ऐसे ही बुन लेंगे और जो हमारा सेंटर वाला फंदा आएगा उस फंदे के पहले हमने 2 फंदे छोड़ देने।
ऐसे, यही वाला हमारा सेंटर वाला फंदा है। दो फंदों को छोड़ के, एक दो, दो फंदों को छोड़ के ये वाला हमारा सेंटर वाला फंदा है। इस फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली बन रही है, तो क्या करेंगे, इस फंदे के पहले दो फंदे हम दो का एक कर देंगे। दो का एक किया, धागा अपनी तरफ, इस फंदे की दोनों तरफ जाली डाल देंगे, फंदा भी नहीं बढ़ेगा और जाली भी आ जाएगी। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने, ताकि हमारी जो फली है, जो चैन बन रही है, वो हमारी इधर उधर ना हो। तो ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी ही आएगी। जैसे मैंने ये रो बनाई है, नेक्स्ट आने वाली सीधी रो जो होगी वो भी सेम तरीके से बनाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, एक सिलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं और जाली भी डालनी है। उसके बाद चार सिलाइयाँ, दो उल्टी और दो सीधी, दो सीधी हैं जो हमने फंदे बढ़ाने नहीं हैं, जाली बना देनी है। जैसे मैंने इस रो में बनाई है, तो मैं नेक्स्ट रो में भी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो मैं वापस आती हूँ जो ये रो है इसको कंप्लीट करने के बाद। फिर से वापस आ गई हूँ मैं सीधी साइड। पहले मैंने जो हमारी पेंडिंग थी सीधी रो वो कंप्लीट की, उसके बाद मैंने उल्टी तरफ से रो कंप्लीट की और फिर से आई हूँ मैं सीधी तरफ। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट सीधी लाइन में रिपीट किया है। 3 4 5 6 7, 7 फंदे बनाने के बाद हमने इन दो फंदों का एक कर देना है, जाली वाला और एक उससे पहले, यानी कि 8 और 9 वाला फंदा जो है हमने दो का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सेंटर वाला फंदा अब नज़र आना शुरू हो चुका है कि हमारा ये सेंटर वाला फंदा है, तो इसकी दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। राइट साइड में हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, लेफ्ट साइड में हमने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हर बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हम बनाएंगे। 13 और 14 फंदे हैं जो हमारा ये वाला फंदा, इन दो का एक कर देंगे। ये वाला हमारा फिर से ये सेंटर वाला फंदा, इसकी दोनों तरफ जाली आ जाएगी। पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर 13 फंदे थे, उसके बाद दोनों तरफ हमने जाली डाली तो 15 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब हम जाली डालेंगे तो 17 हो जाएंगे। उसके बाद 17 फंदों के बाद दो हमने जो चार रो है, दो उल्टी और दो सीधी डालनी है। उल्टी रो तो सीधी उल्टी ही आएगी, सीधी तरफ जब आएंगे तो हम जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, लेकिन फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे यहाँ पर सेंटर में 27 फंदे नहीं हो जाते। यहाँ पर हमने 13 फंदे रखे हैं ना, 27 फंदे करने हैं हमने। तो ऐसे हमने ये वाले कंप्लीट कर लेनी है रो। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक जाली वाला फंदा लेंगे, एक उससे पहले लेंगे, दो फंदों को हमने ऐसे दो का एक कर देना है और इस सेंटर वाले फंदे की दोनों साइड हमने जाली डाल देनी। हमारा डिजाइन भी बन जाएगा और फंदा भी नहीं बढ़ेगा। अगर हम हर बार फंदा बढ़ाते हैं तो हमारे फंदे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा पैटर्न भी सही नहीं आएगा और जो हमारा फ्रॉक का कंसेप्ट है वो भी नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए हमने फंदे भी कंट्रोल में रखने हैं और डिजाइन भी डालना है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि सेंटर में कोई ट्रिक बताई जाती है जो हमारे काम आने वाली होती है,
तो इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से पूरी रो रॉन्ग यानी कि उल्टी उल्टी बनाएंगे। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आई हूँ मैं राइट साइड। तो जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कली शुरू की थी, स्टार्टिंग में मेरे 8 फंदे थे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि मेरा एक ही फंदा तब से बड़ा है। रो मैंने हमारी जो है 6-7 रो हो गई है, लेकिन फंदा हमने एक ही बढ़ाया है। देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, ये वाला। इसके पहले 2, 4, 6, 8, 9 आठ फंदों से 9 हुए हैं। इधर भी देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 15, ये वाला। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। तो हमारा फंदा एक बड़ा है, लेकिन हमने रो काफ़ी डाल ली है। तो मेरे कहने का मेन मकसद था जो यही था कि हमने 6 रो के बाद एक फंदा बढ़ाना है, यानी कि जाली डालनी है दोनों साइड हमने एक एक, लेकिन बीच में जो हमने 2 बार सीधी रो डालनी है उसमें हमने कोई जाली नहीं बनानी, उसमें सिर्फ हमने फंदे घटा देने हैं और जाली डाल देनी है। तो इसमें फिर से हम फंदा इंक्रीज करेंगे, इसमें फंदा बढ़ाएंगे घटाएंगे कोई नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इसकी दोनों तरफ हम जाली डालेंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, सॉरी इसमें हम जो है फंदे की डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे और ना ही फंदा घटाएंगे। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 15 फंदे बनाने के बाद इस फंदे की दोनों साइड हम जाली डालेंगे। ये देखिए ऐसे फिर से धागा अपनी तरफ किया और फिर से 15 फंदे बना देंगे। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद फिर से हमने 2 रो में कोई फंदा नहीं बढ़ाना, 2 का एक करना है, जाली डाल देनी है। उसके बाद फिर हमने ये 2 रो बनाने के बाद फिर से ऐसे ही हमने जाली डालनी है और फंदा बढ़ाने देना। ऐसा हमने तब तक करना है जब तक हमारे सेंटर में 27 फंदे नहीं कंप्लीट हो जाते यहाँ पर, क्योंकि हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है लेकिन फंदे ज़्यादा नहीं बढ़ाने। अगर हम इसमें फंदे ज़्यादा बढ़ाई जाएंगे तो उतना ही लंबा और चौड़ा सेम हो जाएगा, तो वो फ्रॉक का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा, उसका लुक नहीं आएगा परफेक्ट जो शेप होती है हमारी फ्रॉक वाली। तो मैं वापस आती हूँ थोड़ा पार्ट बनाने के बाद, यानी कि 27 फंदे कंप्लीट कर लेने के बाद। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है जितना मेरा ज़रूरत थी। तो अगर मैं बात करूँ जाली की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 20 जालियाँ बनी हैं। जब जैसा कि मैंने बताया था, मेरे यहाँ से लेके इस ये सेंटर वाला फंदा है मेरा, इस फंदे से लेके इस फंदे के बीच में मेरे 27 फंदे होने चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 27 27 फंदे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने 4 सिलाइयों के बाद जब 5वीं सिलाई आती है तो उसमें फंदा बढ़ाया, 2 उल्टी 2 सीधी 4 हो गई, 2 सीधी जब आएंगे तो हम 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे। जब जाली डाली तो 2 का 1 किया तो फंदा हमारा कम भी हो गया और बढ़ भी गया, लेकिन इक्वल रहा है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो उसमें कोई भी फंदा बढ़ता नहीं है लेकिन जाली आ जाती है, डिजाइन बन जाता है। अगर हम हर बार फंदा बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो सेट नहीं आएगा और जितनी हमारी ज़रूरत है उसके ज़्यादा हमारे फंदे हो जाएंगे।
यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे फंदे 114 फंदे हैं मेरे पास। अब 27 फंदे बनाने के बाद मेरे पास 114 फंदे हो गए हैं। तो अगर आपने सेम नंबर के स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं तो आपके भी यहाँ पर 114 फंदे होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आगे ये वाला पार्ट बनाना शुरू करेंगे। अब कलियाँ हम बंद करनी शुरू कर देंगे, जैसे कि ये कलियाँ बंद हो रही हैं और डिजाइन बन गया है, तो ऐसे हमने ये वाला पार्ट बनाना शुरू करना है। अब इन साइडों में हमने ये वाली चैन बनानी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमने पहले हमने यहाँ से बुनना शुरू कर देना है। पहले इन फंदों को बनाने देते हैं। ये पहली कली वाले फंदे हैं जो हमारे ये मैटर नहीं करते। तो क्या करेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा सेंटर वाला फंदा है जिस पर मैंने हर बार जाली बनाई है दोनों साइड में, एक इधर और एक इधर, दो फंदे हमने छोड़ देने हैं। यानी कि सेंटर वाला फंदा, एक इस साइड फंदा और एक इस साइड, तीन फंदे हमने छोड़ देने हैं। तीन फंदों के पहले हमने दो का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर तीन फंदे बनाएंगे, साथ में जाली डाल देंगे, एक ये सेंटर वाला, दो और ये एक इधर वाला, तीन। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके दो का एक कर देंगे, जैसा कि हमने दूसरी साइड किया है। अब बीच वाले फंदे हमने बना लेने हैं। यहाँ से कलियाँ बंद होनी शुरू हो जाएंगी और सारी जो हमने जो चैन बनाई है, चार चैन बनी है हमारी इसमें, तो चार की चैन के ऊपर हमने यही वाला पैटर्न अप्लाई करना है। एक बार फिर से हम करेंगे, ये देखिए हमने एक फंदा और बनाना है, तीन फंदे छोड़ देने हैं। ये सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा रखना है हमने, और उससे पहले दो का एक कर देना है। ऐसे दो का एक किया, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और ऐसे हमने फिर से कली बंद करनी शुरू कर देनी। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हमने करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और उल्टी साइड से, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी रो उल्टी ही आती है। जो हमने जाली वाले फंदे डाले होते हैं वो वाले फंदे भी हमारे उल्टे ही आते हैं। फिर से आ गए हम वहीं पर, तीन फंदे रख लेंगे हम सेंटर में और तीन फंदों के पहले दो का एक कर देंगे। दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, तीन फंदे बनाएंगे सीधे, धागा अपनी तरफ करके डायरेक्शन चेंज की फंदे की और कली बंद करनी शुरू कर दी। इस कली का मुंह इस तरफ मुड़ जाता है और इस तरफ वाला जो फंदा हमने किया है वो इधर की साइड आ जाता है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फिर से वापस आए हैं हम। पहले मैंने जो पेंडिंग थी सीधी रो वो कंप्लीट की, उसके बाद मैंने उल्टी साइड कंप्लीट की। फिर से आए हैं हम राइट साइड। राइट साइड में फिर से बुनना शुरू करेंगे। पहले जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं उनको बुन लेते हैं। पहले यहाँ पर हमारे जो हमने तीन फंदे छोड़े थे, अब वो पांच हो गए।
हमने सेंटर वाला फंदा देखना है, ये हमारा सेंटर वाला है, दो इस तरफ छोड़ देंगे, दो इस तरफ, पांच फंदे हो गए। और पांच फंदों के पहले हमने जो चैन बन रही है उसी चैन को कंटिन्यू करना है। ऐसे दो का एक किया, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे बनाएंगे सेंटर में, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, दो का एक कर देंगे ऐसे। बीच के फंदे जो सीधे हैं हमने वैसे सीधे सीधे ही बना लेने हैं। ऐसा हमने जैसे पहले तीन थे फिर पांच हो गए, अगली बार हम सीधी तरफ आएंगे सात हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे नौ हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो ग्यारह फंदे हो जाएंगे। हमने बीच में ग्यारह फंदे जो हैं वो बनाने हैं, और तब तक हमने ऐसे ही चैन बना के फंदे बढ़ाते रहना है। फिर से चैन आ गई हमारी, यहाँ पर दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ किया, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ करके फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे। ऐसे ही मैंने ये रो कंप्लीट कर लेनी है, और ऐसा तब तक बुनते जाना है जब तक हमारे यहाँ सेंटर में 11 फंदे नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना पार्ट बना लिया है, तो ये वाली एक चैन है मेरी इधर जा रही है और एक चैन ये है इस तरफ जा रही है। तो इसके बीच में हमने फंदे काउंट करने हैं कि हमारे 11 फंदे हो गए हैं या नहीं। दो चार छः आठ दस ग्यारह, 11 फंदे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारा ये यहाँ इतना पार्ट बन चुका है, ये वाला पार्ट हमने बनाना शुरू करना है। पहले हमने ये वाली चैन और ये वाली चैन बनाई है, एक चैन हमने ये वाली भी शुरू कर देनी है, और इसी के बीच में हमने पैटर्न बनाना शुरू कर देना है। दो दो चैन चलेंगी हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी कलियाँ बंद हो चुकी हैं, यहाँ ऐसे इधर से आएंगी, ऐसे ही इधर से आएंगी, तो कलियाँ बंद हो जाएंगी और पैटर्न जो है हमारा आगे कंटिन्यू ही रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको आगे, कि आगे हमने कैसे बनाना है। तो पहले हम सीधे सीधे फंदे बनाएंगे, तो देखिए ये चैन आ रही है, इस चैन के पहले हमने एक फंदा ले लेना है, इन दोनों को हमने ऐसे दो का एक कर देना है। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा बनाया, दो तीन, तीन फंदे बनाए और साथ में जाली डाल ली। तो हम क्या करेंगे, इन दो फंदों को फिर से ऐसे चैन बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा है जो नीचे से सीधा यहाँ पर आ रहा है, जो हमारी नीचे से चैन आ रही है ना, ये वाली, ये वाला वो फंदा है सेंटर में, इलेवेंथ वाला। पांच इधर हो चुके हैं हमारे फंदे, और पांच हम इस साइड छोड़ देंगे, बीच में जो फंदा है 11 हमारा इलेवेंथ स्टिच है जो, उसकी दोनों तरफ हमने जाली डालनी है, एक जाली, फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर हमने क्या करना है, दो का एक करना है, इस फंदे को ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, और ऐसे हमने दो का एक कर देना है। आगे आ चुके हैं हमारे तीन फंदे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, और हमने जो हमारी चैन है वो बनाना शुरू कर दिया। वापस मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, जैसे मैंने पहले यहाँ पर चैन बनाई, दो का एक किया, एक बात और पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे 114 जो है फंदे हैं, 114 फंदे हैं, वही फंदे चल रहे हैं, कोई भी फंदा ना तो बड़ा है और ना ही कम हुआ है, सिर्फ डिजाइन बनाना हमने शुरू किया। अगर हम बात करें यहाँ पर हम दो का एक करते हैं, तो साथ में हमने जाली डाल के फंदा साथ ही बढ़ा भी दिया है,
तो फंदा कम नहीं हुआ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर चैन बनाई, उसकी हमने जाली डाल ली, तीन फंदे मैंने बनाए। तीन फंदे बनाने के बाद मैंने दो का एक किया, दो का एक किया, उसकी जाली डाल दी, ये वाली, ये हमारा फंदा है, जो ये सेंटर वाला फंदा है, इसकी दोनों तरफ हमने जाली डालनी है, क्योंकि एक हमने दो का एक इधर किया है और दो का एक इस साइड भी किया है, उसी की हमने जो दो जालियां हैं उसी की बनाई हैं। तो यहाँ पर भी मैंने दो का एक किया, उसके बाद जैसे इस तरफ तीन फंदे बनाए थे उसी तरह मैंने इस तरफ भी तीन फंदे बना लिए, और जैसे चैन की यहाँ पर जाली डाली थी वैसे ही इस चैन की जाली उसके पहले वाली जो फंदा है उसमें आ गई। बीच के फंदे हम जो है वो सीधे बना लेंगे। तो ऐसे हमारा दूसरा पैटर्न भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे देखिए फिर से आ गया हमारा पैटर्न। पहले हम चैन बनाएंगे, जो चैन हमारी आ रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैन बनाई, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बनाया, एक साथ में जाली डाल दी, दो, तीन, तीन फंदे बनाने के बाद दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे के एक जाली डाली, धागा फिर अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और जाली डाल देंगे, फिर तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की और दो का एक कर दिया, ऐसे। तो ऐसे हमारा ये पैटर्न जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है और बैक साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। आप पहले वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार नहीं समझ आता तो दो बार देख लीजिए, क्योंकि समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ऐसे दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, फिर से दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करके एक जाली, फिर से इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, दूसरी जाली, तीन फंदे हमारे आ जाएंगे सीधे, धागा अपनी तरफ करके जो चैन हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे और दो का एक कर देंगे, ऐसे देखिए। तो सेम है, आगे हमारा एक पार्ट रह चुका है, उसको भी हमने सेम ऐसी तरीके से बनाना है और उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेनी है। तो वापस आए हैं हम राइट साइड में, राइट साइड में बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। इस तरफ हमारे फंदे कम हो रहे हैं पहले के बजाय। तो देखिए चैन आ रही है नीचे से, तो एक चैन वाला फंदा लेंगे, एक इसके पहले वाला, दो का एक कर देंगे, दो का एक किया, आगे धागा आगे नहीं, आगे करेंगे हम अपनी तरफ में, एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाएंगे, तीन फंदे बनाने के बाद फिर से दो का एक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर तीन फंदे ही रखने हैं गैप में, तीन फंदों की हमारी जो यहाँ पर पट्टी है वो चलेगी। फिर आगे क्या करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से तीन फंदे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और दो का एक कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। आगे फिर से पैटर्न हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर बीच में जो फंदे हैं हमारे बचे हुए, उनको तो हमने सीधा सीधा बना लेना है, तब तक जब तक कि हमारी चैन नहीं आ जाती। तो देखिए चैन आ गई है, तो दो का एक करेंगे पहले, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, फिर दो का एक करेंगे,
दो का एक किया, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, दो का एक किया, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और दो का एक कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमने रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है और उल्टी रो पूरी उल्टी ही आएगी। सीधी और उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं फिर से सीधी तरफ। इस रो में हमने ये वाला पैटर्न शुरू करना है, ये वाला डिजाइन बन रहा है ना, जो हमने ये शुरू करना है। तो ये पैटर्न है जो चार फंदों का पैटर्न है और चार ही सिलाइयों का पैटर्न है, चार फंदों में बनता है और चार सिलाइयों में बनता है। जब भी हमने स्टिचेस कास्ट ऑन कर रहे हैं, स्टिचेस तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, अगर हम सेपरेट कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमने फोर फोर के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं और चार सिलाइयों में बन जाता है। यहाँ पर मेरे पास पाँच फंदे हो चुके हैं, हम पाँच फंदों में से दो फंदे साइड में छोड़ देंगे जाली वाले और तीन फंदों से ही पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे। तो पैटर्न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हमने कुछ फंदे लिए हैं सिलाई पर, तो इसी पर हम अपना पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। ज़्यादा फंदों में हमारा पैटर्न है जो समझ नहीं आएगा, पहले दो फंदों को हम उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है और दो का एक करते हुए साथ में जाली डाल देनी है ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा ऐसे उल्टा करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और दो फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। यहाँ पर हमारे दो फंदे चार फंदों का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। पहले दो उल्टे थे, दो सीधे आ गए, फिर से दो उल्टे आए, दो सीधे आ गए, दो पैटर्न बन चुके हैं, लास्ट में दो फंदे उल्टे। और उल्टी सिलाई से जो उल्टी तरफ से है वो जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। पहले दो फंदे सीधे आ जाएंगे, उसके बाद दो सीधे थे वो उल्टे हो जाएंगे, दो सीधे दो उल्टे फिर से दो सीधे आ जाएंगे। सीधी तरफ से ये उल्टे फंदे हैं। आगे हम वापस सीधी तरफ, सीधी तरफ जो उल्टे हैं वो तो ऐसे उल्टे ही चलेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। दो उल्टे बना लिए पहले हमने, पहले मैंने यहाँ पर जाली डाली है, ये देखिए इस साइड दो फंदे ये हमारे सीधे आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, धागा पीछे कर लेना है और इस तरफ से ऐसे दो का एक कर देना है, इन दो फंदों को दो का एक करते हुए एक फंदा कम हो गया तो क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके ऐसे नीडल पर धागा रैप कर लेंगे। फिर से देखिए मेरा धागा पीछे है, मैंने धागा आगे किया और धागा रैप कर लिया नीडल पर और दो फंदे उल्टे बना लिए। धागा वापस पीछे करेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे धागा रैप करेंगे और दो फंदे उल्टे। हम आ गए हैं फोर्थ सिलाई पर, चार फंदों का पैटर्न है और चार ही सिलाइयों का पैटर्न है, ये इतना लंबा चौड़ा पैटर्न नहीं है। अगर हमने सेपरेट किसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना है तो फोर फोर के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो आ गए हम वापस, यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है चार सिलाइयों का। एक बार फिर से मैं स्टार्ट करके दिखा देती हूँ आपको। पहले दो फंदे हैं रखे हमने उल्टे, वापस शुरू हो रहा है पैटर्न जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, फंदे की डायरेक्शन चेंज की, धागा अपनी तरफ है हमारा और दो का एक किया, दो का एक किया और साथ में जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे। फिर से इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, लास्ट में दो फंदे जो है उल्टे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने पैटर्न बनाना है, चार सिलाइयों का पैटर्न है
और उसी को हमने कंटिन्यू करना है। एक बार हमारी राइट साइड में जाली बनती है तो एक बार हमारी लेफ्ट साइड में जाली बनती है। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा जाए। मैंने इसीलिए थोड़े फंदों में समझाया है। तो ऐसे देखिए, तो इसको रख देते हैं साइड में। मेरे पास पूरे फंदे नहीं हैं क्योंकि ये पैटर्न चार चार से शुरू होता है, तो क्या करेंगे हम तीन फंदों से ही हम पैटर्न बनाना शुरू कर लेंगे। क्योंकि फंदे हमारे बढ़ रहे हैं बीच में, जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डिजाइन शुरू करते जाएंगे। ये जाली वाले, ये फंदा हमारा जाली वाला है। इस फंदे को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करनी इसके साथ, इसको हमने ऐसे जाली ही बनानी है। अब मेरे पास तीन फंदे हैं तो मैं धागा आगे कर लूँगी, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, ऐसे धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा। मेरे पास एक फंदा उल्टा बचा है, इसकी टेंशन हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी कि हमारे पास एक फंदा उल्टा बना है। नेक्स्ट रो में जब हमारे पास फंदा बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर दो फंदे कर लेंगे। इस फंदे को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ये जाली वाला फंदा है, ये फिनिशिंग के लिए है। दोनों साइड में धागा अपनी तरफ करके ये जो हमारी चैन बन रही है उसी को कंटिन्यू करना है हमने। तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके हमने चैन बनानी है। बीच में जो फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। तो देखिए चैन आ गई हमारी, एक फंदा हम चैन में से लेंगे और एक उसके पहले, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, यहाँ पर दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये हमने जाली डाल ली। फिर से देखिए तीन फंदे बचे हैं मेरे पास, धागा अपनी तरफ करके मैं फंदे की डायरेक्शन चेंज करूँगी और जाली डाल दूँगी। एक फंदा मेरे पास बचा है उल्टा, ये तीन फंदों पे मैंने पैटर्न स्टार्ट कर लिया है। इस फंदे को हमने बिल्कुल भी इस डिज़ाइन में नहीं लेना, इसको हमने ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो इसमें खास क्या है कि जैसे मैंने पहले राइट साइड में जाली बनाई, दूसरे पैटर्न में मैंने राइट साइड में जाली बनाई, नेक्स्ट जो दो पैटर्न बचे हैं हमारे उसमें भी हमने राइट साइड में ही जाली बनानी है। जब एक बार हम राइट साइड में जाली बनाएंगे तो सभी में हमने राइट साइड में जाली बनानी है। जब हम बदल के रो आएंगे तो लेफ्ट साइड में जाली बनाएंगे तो सारे में हमने पैटर्न में लेफ्ट साइड में ही जाली बनानी है। ऐसा नहीं है कि एक में राइट साइड में जाली बना दो एक में लेफ्ट साइड में, तो हमारे पैटर्न में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो पेंडिंग राइट रो कंप्लीट की, उसके बाद जो रॉन्ग रो वो कंप्लीट की। तो डिज़ाइन बनाते बनाते मैं आ गई हूँ डिज़ाइन पर। तो देखिए यहाँ से मैंने बना लिया, ये धारी भी बना ली मैंने, ये हमारी चैन आ रही थी, उसके बाद तीन फंदे बनाए, ये फिर से चैन बनाई। अब देखिए ये फंदा है हमारा जाली वाला, जिसको मैंने बोला था कि इसके साथ हमेशा हमने जाली डालनी है। तो यहाँ इस साइड में मेरा एक फंदा बढ़ गया, इसको बना लूँगी मैं उल्टा। उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, ये दो फंदे हैं जो सीधे हैं हमारे, जिसके लेफ्ट और राइट साइड हमारी जाली बनती है। पहले हमने राइट साइड में जाली बना ली है लास्ट रो में, इस बार हम लेफ्ट साइड में इसकी जाली बनाएंगे। धागा पीछे करके दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे धागा रैप करेंगे सिलाई पर। देखिए जैसे मैंने बताया था, धागा अपनी तरफ करके हमने ऐसे धागा रैप कर लेना है। यहाँ पर मेरा पहले एक फंदा था उल्टा,
एक फंदा इधर से बढ़ गया तो दो फंदे हो गए उल्टे। देखिए चार फंदे कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, तो इस फंदे को हमने छेड़ना नहीं है, इसको बनाएंगे सीधा धागा अपनी तरफ करके, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो का एक कर देंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, चैन की डायरेक्शन चेंज की और दो का एक कर दिया, बीच के फंदे हैं जो हम सीधे बना लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे हमारा डिजाइन भी है जो वो भी बढ़ता जाएगा, कि जो देखिए यहाँ से हमारी कलियाँ बंद हो रही हैं और सेंटर में हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा डिजाइन भी सेंटर में ही आ रहा है। दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, फिर से दो का एक करेंगे, इस फंदे के साथ तो हमने जाली डाल ली। देखिए इस फंदे को बना लूँगी मैं उल्टा, ये फंदा बढ़ चुका है लास्ट रो में, ठीक है, यहाँ पर मैंने लास्ट रो में, लास्ट जो सीधी रो थी उसमें राइट साइड में जाली बनाई थी, अब हम लेफ्ट रो में, लेफ्ट साइड में जाली बनाएंगे। धागा पीछे करके दो का एक किया, धागा आगे करेंगे तो ऐसे हमने रैप कर लेना है सिलाई पर, धागा रैप, एक फंदा उल्टा, एक मेरा फंदा फिर से बढ़ चुका है यहाँ पर, तो ये फंदा भी मैं उल्टा बना लूँगी। हमारा डिजाइन दो दो फंदों का, जो चार फंदों का था, दो उल्टे दो सीधे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही हमने जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे हमने डिजाइन को बढ़ाते जाना है, फंदे जो हैं ऐड करते जाना है हमने। देखिए हमारा डिजाइन बनना शुरू हो चुका है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमने बहुत ही केयरफुली ये फंदे ऐड करने हैं। तो देखिए जैसे जैसे फंदे बढ़ रहे हैं हमारा जो डिजाइन है कंप्लीट होता जा रहा है। तो ऐसे में देखिए जहाँ से जो कलियाँ बंद हो रही हैं, मैं बता दूँ आपको अभी से, क्योंकि मैं पूरा नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे तीन फंदे थे, मैंने तीन का एक किया, दोनों साइड जाली डाल दी, मेरा फंदा कम नहीं हुआ। अगर हम वैसे तो हम दो का, यहाँ पर दो का एक करते हैं, इस साइड भी दो का एक करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके हमारे पास यहाँ तीन फंदे बच जाते हैं। तीन फंदे जब एक फंदा रह जाएगा, दो फंदे कम हो जाएंगे, तो दोनों साइड हमको जाली डालनी पड़ेगी। यहाँ पर भी सेम ही है, वही तीन फंदों को हमने एक इकट्ठा बुन लेना है और दोनों साइड जाली डाल देनी है। और यहाँ पर आप अपनी जो रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हो। मेरी रिक्वायर्ड इतनी थी, क्योंकि ये फ्रॉक मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, तो मैंने यहाँ से जब मेरा ये पैटर्न ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने एक दो तीन चार पाँच जालियाँ डाली। पाँच जालियाँ डालने के बाद यहाँ पर मैंने 10 रो सीधी सीधी उल्टी और सीधी सीधी बनाई हैं दोनों तरफ से, और उसको बंद कर दिया है। तो ये था इसमें इतना ही। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लूँगी सारा ऐसे ही। तो जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे दोनों साइड, हमने पैटर्न बनाते जाना है ध्यान से। एक बार मैं आपको और बताऊंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें पता नहीं चल रहा कि कहां से क्या करना है। यहां पर मेरा पैटर्न शुरू हो चुका है, तो ऐसे मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो बनाते बनाते मैं देखिए आ गई हूँ डिजाइन पर, जहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो दोनों जो चैन बन रही थी वहाँ तो मैंने बना ली, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे हमने बना लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे अब दो फंदे आ जाएंगे उल्टे,
लास्ट रो में एक फंदा उल्टा बनाया मैंने, इसके पहले एक फंदा मेरा फिर से बन रहा है तो दो फंदे उल्टे बन जाएंगे मेरे। और पहले मैंने राइट साइड में जाली बनाई, उसके बाद लेफ्ट में बनाई, फिर से अब हम राइट में बनाएंगे। जब हमने राइट में बनानी है जाली तो इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, ऐसी जाली भी डाल दी और फंदा भी कम हो गया। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, यहाँ पर एक फंदा बढ़ रहा है तो इसको हम सिंपली ही अभी ऐसे सीधा ही बना लेंगे, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो फंदे चाहिए सीधे। तो अभी हमारे पास एक फंदा है तो इसको ऐसे सीधा बुन लेते हैं। नेक्स्ट रो में जब वापस आएंगे तो यहाँ पर दो फंदे हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे और जाली डाल देंगे। बस ध्यान यही रखना है कि जैसे हमने एक बार राइट साइड में जाली डाली तो सभी में हमने राइट साइड में जाली डाली, जब हम लेफ्ट साइड में जाली डालेंगे तो सारे में हमने लेफ्ट साइड में ही जाली डालनी है। तो इस बात का हमने खास ध्यान रखना है। तो आगे हमारा पैटर्न सेम चलेगा, इस फंदे को ऐसे बुना, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, साथ में जाली डालेंगे, दो का एक कर देंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, चैन बनाएंगे। यहाँ पर हमारे फंदे बहुत कम हो चुके हैं पहले की बजाय, कलियाँ बंद होना शुरू हो चुकी हैं। तो देखिए, जैसे कि दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, दो तीन, फिर से चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इस फंदे को तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, तो यहाँ पर हमने हर बार जाली डालनी होती है। तो यहाँ पर मेरे दो फंदे आ गए उल्टे, एक दो, राइट साइड में जाली डालेंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, दो का एक करेंगे और साथ में जाली डाल देंगे, दो फंदे उल्टे। यहाँ पर सिंगल हमारे पास एक फंदा बचा है, उसको सीधा ही बुन लेंगे, और ये हमारा फंदा जाली वाला है। तो आगे हमने सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है, पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, और मैंने ऐसे ही ये जो हमारा पैनल है वो भी कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा से समझाया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसे देखिए, लेफ़्ट साइड में ऐसे आ रहा है हमारा पैटर्न। ये देखिए, जो हमारे सीधे फंदे हैं वो भी दो सीधे हैं, दो उल्टे, यहाँ पर दो सीधे हो जाएंगे। तो ऐसे हमने बनाते जाना है। तो देखिए, मेरे दोनों पैनल जो हैं बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बनाए हैं। मैंने यहाँ पर 58 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, लास्ट में मेरे 114 हो गए हैं। अगर हम बात करें 58 की तो उसका डबल 116 होता है, यहाँ पर हमारे सिर्फ दो कम हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो हमने स्टिचेस कास्ट ऑन किए उसके डबल हो गए नीचे आके, जो फ्लेयर है बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सुंदर नहीं चलेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारे फंदे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर आप किसी और साइज की बना रहे हो तो आपने यही देखना कि हमने फंदे डबल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हमने। तो अब क्या करेंगे, ये पैनल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमने यहाँ से ना फंदे उठाने हैं, ऊपर हम बॉडी बनाएंगे इसकी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने धागा अटैच किया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 58 स्टिचेस हैं, जो उनमें से मैंने 57 स्टिचेस जो है उठाने हैं, एक यानी कि ओड नंबर में उठाने हैं, इवन नंबर में नहीं लूँगी मैं, चाहे आप एक ज़्यादा ले लीजिए या फिर कम ले लीजिए, तो मैं एक कम रखूँगी। तो हर फंदे में से हमने फंदा उठाना है ताकि हमारे फंदे जो हैं पूरे हो जाएं, कोई कम नहीं होना चाहिए। एक दो
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो इसी तरह से मैंने सारे स्टिचेस हैं जो उठा लेने काउंट करके, कम या ज़्यादा नहीं करना हमने बिल्कुल भी। ऐसे तो देखिए कितनी फिनिशिंग से उठ रहे हैं सारे फंदे, मोतियों की तरह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुए। तो ऐसे मैं सारी सिलाई जो है उठा लूँगी फंदों की। तो ऐसे हम धीरे धीरे काउंट करते जाएंगे और फंदे उठाते जाएंगे। मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं और 57 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं। एक फंदा मैंने इस साइड पहले छोड़ दिया था, तो लास्ट तक मेरे 57 स्टिचेस बिल्कुल पूरे आए हैं, कोई भी फंदा हमारा आगे पीछे नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमने इनको बुनना शुरू कर देना है। इन फंदों को हमने सीधा सीधा बनाना है, उल्टा बिल्कुल नहीं बुनना। तो ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है, अब आ गए हम राइट साइड। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने जब भी फंदे उठाने हैं तो सीधी तरफ से ही उठाने हैं, उल्टी साइड से बिल्कुल भी फंदे नहीं उठाने, सीधी तरफ से ही हमने फंदे उठाने हैं। तो ये एक पहली रो होगी जो मैंने फंदे उठाए, तो वापस आई मैं उल्टी रो बनाते हुए। इन दो के अलावा अभी मैंने पांच रो और बनानी है, और वो भी मैंने गार्टर स्टिचेस की ही बनानी है, यानी कि दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। तीन मैंने सीधी तरफ से बनानी है, दो मैंने उल्टी तरफ से बनानी है। सेम इसी तरीके से हमने सीधा सीधा बुनते हुए दोनों साइडों से पांच सिलाइयां कंप्लीट कर लेनी है। पांच सिलाइयां कंप्लीट कर लेने के बाद हम आ गए हैं रॉन्ग साइड सिक्स्थ रो। इस सिलाई को हमने उल्टा बनाना है, ना कि सीधा। ऐसे हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी जो है फ्रॉक की बेल्ट बनने जा रही है। फिर से आ गए हैं हम राइट साइड। राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों का एक कर देंगे। हमारा एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ, एक फंदे के साथ हम जाली डाल दें। ये हो गए हमारे तीन फंदे। तीन तीन के हिसाब से हमने आगे चलना है। फिर से दो फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ करके जाली डाली, दो फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ करके जाली डाली, दो फंदों का फिर से एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके जाली डाल दें। ऐसे करते हुए हमने जो है डोरी डालने के लिए जाली बना लेनी है।
इससे क्या होगा कि फ्रॉग जो है एडजस्टेबल बन जाएगी, अगर किसी को लूज होगी तो टाइट कर सकेंगे, टाइट होगी तो थोड़ा इससे लूज भी हो सकता है। तो ऐसे हमने बनाते जाना। तो मैंने रॉन्ग साइड से पूरी रो जो है उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ऐसे हमारी जाली बन चुकी है। इसमें बाद में हम जो है डोरी निकालेंगे इसके बीच में से, इसीलिए होल बनाए हैं डोरी जो है डालने के लिए। तो नीचे से देखिए मेरे तीन रो बनी है, ये देखिए तीन रो कंप्लीट हुई है। तो ऐसे ही मैंने ऊपर भी बनानी है, तो जो है बेल्ट की शेप जो इक्वल आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कम ज़्यादा हम सिलाइयाँ नहीं कर सकते। तो पांच रो मैंने यहाँ पर बनानी है, ऊपर सीधी एक उल्टी डालेंगे उल्टी साइड से, और दो फिर से मैं बना दूँगी सीधी सीधी। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, पांच रो तो मैंने बनानी है सीधी सीधी, एक रो बीच में हमारी जैसे इसके साथ मैंने टच किया था सीधी की तरह साइड, उल्टी की साइड मैंने उल्टा डाल लिया था और सीधी तरफ से सीधा, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर भी करना है। तो वैसे ही बना लीजिए सेम इसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाया है। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। जो ये वाली है हमारी रो मैंने शुरू की है, इसकी बैक साइड में जो रो आएगी वो उल्टी आएगी। उसको हमने सीधा सीधा नहीं बनाना है। उसके बाद हमने चार सिलाइयाँ जो है सीधे सीधे की बनानी है, दो सीधी तरफ से दो उल्टी तरफ से। वैसे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको क्या कहना चाहती हूँ मैं। ये हो गई हमारी सीधी तरफ से रो कंप्लीट। रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले हमने जाली के बाद रो डालनी है सीधी के बाद, वो तो डालेंगे हम उल्टी, इसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। लेकिन इसके ऊपर हमने चार रो गार्टर स्टिचेस की ही डालनी है, यानी कि सीधी सीधी ही डालनी है दोनों तरफ से, ताकि हमारी बेल्ट में फिनिशिंग आ सके। बेल्ट बनके रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, ये मैं आगे चल के बताती हूँ किस लिए मैंने मार्किंग की है। यहाँ पर हम बुनना शुरू करेंगे। इससे पहले कि बुनना शुरू करें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर जब मैंने यहाँ नीचे वाली जो फ्लेयर बनाया है, नीचे वाले बॉडी पार्ट बनाया है, यहाँ पर मैंने 58 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। वो मैंने सिंगल धागे से ही किए थे। ये देखिए यहाँ पर मेरा धागा बचा हुआ है, सिंगल धागे से किए हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ से फंदे उठाए, ना तो सीधी तरफ से कहीं से नज़र आ रहा है कोई नोट वगैरह, कहीं से भी पता नहीं चल रहा, और ना ही उल्टी साइड से बिल्कुल भी। सिंगल धागे से जो फंदे उठाने का यही फ़ायदा होता है कि जब हम फंदे उठाते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता, कि सस्पेंस बना रहता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और एंडिंग कहाँ पर हुई है। तो आप भी प्लीज़ सिंगल धागे से ही फंदे डालिएगा पहले जब आप डालें। तो यहाँ पर हम 21 फंदे पहले सीधे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया हुआ है, वहाँ तक मेरे 21 फंदे बनते हैं, तो वो फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी। ऐसे देखिए हम काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 और 21 इस मार्कर को हम निकाल देंगे। यहाँ पर दो का एक करेंगे, पहले हम इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ किया, एक दो तीन, तीन फंदे बनाए, फिर से दो फंदों का हमने एक करना है। और मैं बताती हूँ आपको कि ये कौन सा हमारा डिजाइन जो है शुरू हो रहा है। दो फंदों का एक किया, यहाँ से भी मार्कर निकाल देंगे, एक फंदा कम हो गया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे के एक जाली, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, दो का एक कर देंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो का एक कर देंगे, सॉरी जाली डालेंगे साथ में ताकि हमारा फंदा कोई कम ना हो, ऐसे मार्कर निकाल देंगे। जैसे मेरे इस साइड 21 फंदे बचे थे, इस साइड भी मेरे 21 फंदे बचे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बुनना शुरू करूं, मैं आपको दिखाती हूं, हमने यहां से बनाना शुरू किया है, ये वाला डिज़ाइन हमारा शुरू हो चुका है और साथ में तीन तीन फंदे ये वाले मैंने रखे हैं। दो चैन शुरू हो गई हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर में एक फंदा रखा था और दोनों साइड एक एक जाली डाल दी थी और चैन बनानी शुरू कर दी थी। और ये अगर मैं शुरू करती यहाँ से तो हमारा जो है काफ़ी लंबा चल जाता, गले तक हमारा डिज़ाइन अच्छे से नहीं आना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये वाला पार्ट हमारा बनना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेने के बाद बुनते हुए मैं सीधी तरफ से यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर 21 फंदे बनाए थे, इस बार मैंने 20 फंदे बुने हैं। दो का एक किया, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से दो का एक करेंगे, दो का एक कर लिया, धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर मेरे तीन फंदे बन गए हैं। पहले हमारा यहाँ पर एक फंदा था जिसमें मैंने मार्कर लगाया हुआ था, तो उसकी दोनों तरफ जाली डाली तो तीन फंदे हो गए, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करके सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, दो फंदों का एक किया, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके डायरेक्शन चेंज की फंदे की और दो का एक कर दिया। आगे मेरे 20 फंदे बचेंगे, उनको भी मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी और उल्टी तरफ से पूरी रो मेरी उल्टी आएगी। तो अब हमारी जो दोनों साइड हैं, यहाँ पर जैसे पहले 21 थे, फिर 20 हो गए, आगे 19 हो जाएंगे, 18 हो गए जाएंगे, तो ऐसे ये फंदे कम होते जाएंगे और सेंटर में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, सेंटर में हमारा जो लहरिया वाला डिज़ाइन है ना वो शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी सीधी तरफ से रो कंप्लीट हो चुकी है, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी। उन्नीस फंदे मैंने बुन लिए हैं, यहाँ पर चैन बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, यहाँ पर फिर से चैन आएगी, इस फंदे में हमने चैन डाल ली, ये फंदा था हमारा, इसको काउंट नहीं करेंगे। बीच में बचे हैं मेरे तीन फंदे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यहाँ पर भी मैंने पैटर्न जो था तीन फंदों से ही शुरू किया था। एक फंदा हम उल्टा रख लेंगे, दो फंदों को हम जाली बना के दो का एक कर देंगे। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, हम डिजाइन में उनको इंक्लूड करते जाएंगे। वैसे तो हमारा जो पैटर्न है
वो दो दो का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा देखेंगे कि चार हमारे होंगे तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, सीधा सीधा ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहला फंदा उल्टा बुन लेते हैं, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके दो का एक कर देंगे। डिजाइन बनना शुरू हो चुका है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके फंदे की डायरेक्शन चेंज करके दो का एक किया, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से धागा अपनी तरफ, फंदे की डायरेक्शन चेंज की और दो का एक कर दिया। तो ऐसे हमने आगे आगे बढ़ाते जाना है इसको, तब तक जब तक कि हम गले की कटाई पे नहीं आ जाते, तब तक हम ऐसे ही डिजाइन को इंक्लूड करते जाएंगे। ये हमारे फंदे यहाँ तक चले जाएंगे, धीरे धीरे ये वाली फंदे कम हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। और आगे चल के हमने क्या करना, शोल्डर कटिंग भी करनी है अभी, तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा बना लेने के बाद कि आगे हमने कैसे बनाना है। डायरेक्ट मैं डिजाइन पर ही आ गई हूँ। यहाँ पर पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक फंदा मेरे पास उल्टा था, एक और बढ़ गया, तो अब दो हो जाएंगे, दो फंदे हो गए हमारे उल्टे। पहले मैंने राइट साइड में जाली डाली थी, इस बार हम लेफ्ट साइड में जाली डाल लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ऐसे दो का एक किया, धागा आगे करके ऐसे धागा रैप कर लेंगे और एक फंदा हमारा उल्टा इस साइड भी बन जाएगा। धागा पीछे, ये फंदा बनाया हमने जाली वाला सीधा, और सेम प्रोसेस से हम ऐसे फिर से बनाते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ेंगे, डिजाइन भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे देखिए, आप डिजाइन बनना शुरू हो चुका है। तो हमारा यहाँ पर इतना पार्ट बन चुका है। अगर हम मेजर करें तो मेरा बेल्ट से लेके यहाँ तक 6 इंच बन गया है, 6 इंच के करीब है मेरा। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट थोड़ी बड़ी बनाई है, अगर आप चाहो तो छोटी बना सकते हो। जैसे कि मैंने 6 सिलाइयाँ नीचे डाली हैं, 6 ऊपर डाली हैं और सेंटर में मैंने फिर से 6 डाली हैं। तो आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो और उतना ही आपका ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब हमारा यहाँ पर चैन बनना बंद हो जाती है तब हम इसका गला निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब हमने इसमें फंदे डिवाइड करने हैं, मुंडों के लिए भी हमने रखने हैं और बीच में गला भी निकालना है। तो पहले हम डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे। पहले दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, उसके बाद हमारी यहाँ पर राइट साइड में जाली बन रही है, राइट में नहीं बन रही है, यहाँ पर लेफ्ट में है। तो क्या करेंगे, राइट में ही जाली एक बार हम सीधे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी चैन ख़त्म हुई है तो दो जालियाँ एकदम से अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ बन रही है राइट साइड में, तो ऐसे हमने डिजाइन को भी कंटिन्यू रखना है और गला भी निकाल लेना है। मुड्डे के लिए मैं 12 फंदे रखूंगी। तो देख लेते हैं कितने हो गए हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तो हो गए मेरे जो हमने शोल्डर रखना है, ऊपर शोल्डर पट्टी रखनी है ना, उसके 12 फंदे हो गए। तो क्या करेंगे हम, 6 फंदे मैंने यहाँ पर और रखने हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग करनी है साथ में गले की फिनिशिंग के लिए। तो 2 फंदे हो गए ये, 2 फंदे फिर से, और यहाँ पर 2 फंदे और ले लेंगे। टोटल मैंने 18 फंदे ले लिए, 18 फंदे लिए हैं, 12 फंदे मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं 9 फंदे अब यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, एक हो गया, इसके ऊपर से गिरा देंगे, 1, 2,
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये नौ, नौ फंदे मैंने बंद कर दिए। तो आगे काउंट कर लेते हैं कितने बचे हैं, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह और ये अठारह, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनको हमने अठारह अठारह फंदे हमारे साइड में हो गए और बीच में मैंने नौ फंदे बंद कर दिए। यहाँ से फिर से डिजाइन कंटिन्यू करेंगे, इन फंदों को भी हम पहले सीधा बना लेंगे। तो ऐसे मैंने अब क्या करना है, अब हमने यहाँ तक बुन लेना है। वापस इधर से जो ये वाला पार्ट है ये अलग से बनाएंगे, ये वाला अलग से बनाएंगे। तो हम डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। ये वाले जो तीन फंदे हैं हमने इनमें डिजाइन नहीं डालना, इन फंदों को हमने ऐसे ही बना लेना है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हम दो फंदे तो कम करेंगे ही गले की शेप देने के लिए। तो एक बात मैं और बताऊँ आपको, ये देखिए एक फंदा मैंने ना धागे में से निकाल लिया। वो किस लिए निकाला, क्योंकि मैंने पहले भी ना और वीडियो अपलोड किए हैं स्मूथ डिक्रीजिंग के लिए कि कैसे बनाते हैं। एक ये वाला, दो, हमने दो फंदे कम करने थे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई नोट नहीं नज़र आती, मैं बिल्कुल स्मूथ डिक्रीजिंग करती हूँ। जो ये वाली वो ट्रिक है कि हमने लास्ट में एक फंदा जो है बिना बुने रख लेना है, तो उससे क्या होता है कि डिक्रीजिंग बहुत ही स्मूथ बनती है। एक बार मैं और फिर से दो फंदे कम करूंगी, उसके बाद एक एक करूंगी। यहां पर जैसे मैंने दो फंदे कम किए हैं फिर से दो करूंगी, फिर एक एक ऐसे करके मैं ये वाला शोल्डर बना लूंगी। और दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर धागा ज्वाइंट करके फिर से ये बनाएंगे। तो देखिए एक साइड का शोल्डर हमारा बन के रेडी हो चुका है और कितनी सुंदर शेप आई है, बिल्कुल स्मूथ शेप आई है, कोई कहाँ कहीं से भी गांठ वगैरह नज़र नहीं आती। तो अब हम ये वाली साइड बनाएंगे, ये वाली। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको भी ऐसे ही हम बनाना शुरू कर देंगे। एक बात और मैं बता दूँ, जैसे अगर हम इधर को जाते हैं तो सीधी तरफ से हम डिक्रीजिंग शुरू करते हैं, यहाँ से फंदे घटाएंगे। अब हम वापस जा रहे हैं तो उल्टी तरफ से हमने फंदे घटाने शुरू कर देने, पहले दो घटाएंगे, फिर से दो और दो बार एक एक। तो पहले हम स्मूथ डिक्रीजिंग के लिए ऐसे एक बना हुआ फंदा इसके ऊपर से गिरा लेंगे, एक हो गया। ये मैंने जो है धागा अटैच किया हुआ है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, दो फंदे कम हो गए। ये वाला हमारा पैटर्न का है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे।
तो सेम तरीके से हमने डिक्रीजिंग करनी है, दो बार हमने दो दो घटाने हैं और दो बार हमने एक एक घटाना है। और स्टार्टिंग में हमने एक फंदा बिना बुने छोड़ देना है ताकि हमारी जो फिनिशिंग बनी रहे। तो ऐसे इस साइड का भी हम सेम तरीके से फंदे हम कम कर लेंगे। तो एक बात इसमें ये देखने वाली है कि इस साइड मेरे तीन फंदे सीधे सीधे आ रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर पट्टी बनती जा रही है साइड में। जब हम स्लीव इसमें अटैच करेंगे तो ये पट्टी बनी हुई सुंदर लगेगी। इस तरफ क्या है, मेरे उल्टे आ रहे हैं, तो उल्टे फंदों के लिए मैंने क्या करना है, जैसे कि देखिए एक फंदा मैं कम कर लूँगी। इस साइड हमने एक फंदा तो ये कम कर देना है, इधर से एक किया, तीन फंदे ये हमारे सीधे हो गए। जो हमारे पैटर्न बन रहा था वो हमारा पैटर्न बनना शुरू हो गया। जो फंदा हमने इस यहाँ पर दो बार एक एक फंदा कम करना था ना, अब यहाँ पर हम एक बार एक फंदा कम करेंगे, क्योंकि एक फंदा हमने ऑलरेडी इधर से घटा दिया है पैटर्न को सेट करने के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कि हमारा पैटर्न ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हो जाता है आगे पीछे। तो ऐसे हमने यहाँ से भी डिक्रीजिंग कर लेनी है। एक दो, दो हो गए हमारे। अब हमने एक और कम करना है, बस इसके बाद कोई फंदा कम नहीं करना, उसके बाद हमारा पैटर्न सेट चलेगा। बारह फंदे रखने हैं हमने दोनों साइड, इक्वल फंदे होने चाहिए, फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए तीन फंदे मेरे यहाँ पर सीधे सीधे आ गए। बस इतना था, इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, पैटर्न जो होता है कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसे मैं ये शोल्डर भी बना लूँगी। हमारी फ्रंट साइड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए कितना प्यारा राउंड शेप में गला बना है छोटा सा। तो मैंने यहाँ डिक्रीजिंग के बाद 20 सिलाइयाँ डाली हैं, 10 उल्टी और 10 सीधी। मेरी वूल जो है काफ़ी बारीक है दूसरों के मुकाबले, तो इसलिए मैंने 2-4 सिलाइयाँ अधिक ही डाली हैं। तो हो सकता है आपकी वूल थोड़ी मोटी हो, तो आप अपनी देख लीजिए कि गला आपको कितना चाहिए। तो ये गला काफ़ी मुझे सुंदर लग रहा है कि साइज बिल्कुल इक्वल है। तो इसके बाद हम बैक साइड बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं बैक साइड भी हम। तो बैक साइड की बेल्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई बुननी शुरू की हुई है। इस तरफ मैंने छोड़े हैं 31 फंदे, 24 फंदे तो मैंने पैटर्न के लिए छोड़े हैं, 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़े हैं। इस तरफ भी मेरे यहाँ पर 24 फंदे हैं जो पैटर्न के लिए हैं, एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा है, उसको मैं बटन पट्टी में इंक्लूड कर लूँगी। 7 फंदों की ही बटन पट्टी रखी है मैंने, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है तो 7 फंदों की बटन पट्टी है जो काफ़ी है। अगर प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसके लिए हम 10-12 फंदों की बटन पट्टी रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 फंदे अभी बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे हम, एक दो तीन चार पाँच और ये 6 फंदे मेरे इंक्रीज हो गए। इन फंदों को हमने अब उल्टा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि मैं बटन पट्टी है जो उल्टे फंदों की बुनूंगी। 3 4 5 6 7 7 फंदे बनाए मैंने बटन पट्टी के, 2 फंदे ये मेरे उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 फंदों में अगले में हम पैटर्न डाल देंगे।
दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे आ जाएंगे। दो सीधे आ गए, फिर से दो उल्टे, दो सीधे, उल्टे सीधे आ गए, उल्टे। इन फंदों को हम सीधा ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि अगर हम पैटर्न डालेंगे तो साइड में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो करना क्या है, बैक साइड से सेम वही करना है, हमने जो उल्टे हैं उनको सीधा बना लेना है, जो सीधे हैं उनको उल्टा बना लेना है, और हमने यहाँ पर जो बटन पट्टी बनाई है यहीं से वापस हो जाना है। एक साइड हम पहले बनाएंगे, एक साइड हम बाद में बनाएंगे, तो सेम तरीके से बनाएंगे। पैटर्न बनाना शुरू हो चुका है, तो सेम हमने यहाँ पर शोल्डर डिक्रीजिंग तक बनाना है। पहले जैसे कि हमने 3.5-4 के इंच के करीब बना लेना है, तो उसके बाद शोल्डर डिक्रीजिंग बनाएंगे और एक साइड कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड कंप्लीट कर लेने के बाद दूसरी साइड हम उठा लेंगे। तो ऐसे बनाना है हमने, दोनों पल्लों को साथ साथ नहीं चलाना, आगे पीछे करके चलाना है हमने। तो ऐसे बुनते हुए हमने आ जाना है बटन पट्टी पर। ये आ गए हमारे आगे बटन पट्टी के 7 फंदे, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो यहीं से वापस हो जाएंगे हम और पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे। इस बार जाली लेफ्ट साइड में बनेगी, धागा पीछे कर लेंगे, पहले धागा आगे करके ऐसे ही नीडल पर रैप कर लेना है। दो फंदे उल्टे, फिर से दो का एक किया, धागा रैप किया। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया, ठीक उसी तरीके से हमने ये वाला पल्ला भी उठा लेना है। तो सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, और ना ही कोई पैटर्न अलग से डालना है। पैटर्न भी आपको आता है क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। रॉन्ग साइड से सेम, जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। तो ऐसे हमने दोनों साइडों को बना लेना है। तो हमारा फ्रॉक का फ्रंट और बैक साइड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। शोल्डर मैंने ये देखिए 3 नीडल बाइंड ऑफ किए हैं। मैं हमेशा ऐसे ही सिलाई करती हूँ, सिलाइयों से ही, वैसे मैं बंद करके नहीं करती, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर बता रखा है कि कैसे करते हैं 3 सिलाइयों से। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। यहाँ इस साइड मैंने 25 और 27 32 फंदे रखे थे, इस तरफ मेरे 25 फंदे थे, 7 फंदे फिर मैंने यहाँ से अलग से उठाए हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो
तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे अब यहाँ पर इसके नीचे देके सिलाई कर देंगे। दो मैंने बटन होल बना लिए, एक बटन होल बनेगा मेरा आगे जब मैं गला बनाऊँगी तो उसमें। तो ये था हमारा। एक बात और ध्यान देने वाली इसमें, जैसे कि ये देखिए बैक साइड में दोनों में मैंने ना एक चीज़ कॉमन की है, 1 2 3 4 यहाँ पर मेरी चार लहरिया जा रहा है, चार तक 1 2 3 4 यहाँ पर भी मेरे चार लहरिए ऊपर जा रहे हैं। और साइड में देखिए यहाँ पर मेरी किनारी है, इस तरफ में मेरी किनारी है और यहाँ पर मेरी चैन बनी है इस साइड। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी हमने बनाना है सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस तरफ मेरे तीन फंदे सीधे आ गए, इस तरफ ही बाद में मैंने तीन फंदे जो हैं सीधे रखे, एक फंदा इस तरफ से कम ना करके इधर कर दिया तो मेरे तीन फंदे यहाँ पर हो गए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, इसी से फिनिशिंग आती है। तो पहले हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला हमने पट्टी बनाई है ना, इसको स्टिच करेंगे। इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे मैच करके ना, पट्टी से पट्टी, तो हमने स्टिच करना शुरू कर देना है। यहीं इधर से ही कर लेते हैं, धागा मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से फंदा उठा लेंगे, एक फंदा इसका ले लेंगे। तो ऐसे हमने धागे को यहाँ पर बांध लिया है। अब एक स्टिच हम नीचे से लेंगे, एक ऊपर से लेंगे, बिल्कुल स्टिच टू स्टिच हमने इसको जॉइंट करना है, ताकि हमारा जो पट्टी है बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। तो ऐसे करते हुए हमने सिलाई कर लेनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और बाद में हमको ये पता भी नहीं चलना कि हमने यहाँ पर अलग से बनाई है या बीच में ही हमने अटैच की है इसको। तो ऐसे हम यहाँ पर अब नोट दे देंगे यहाँ पर, ये देखिए धागे को पक्का कर देते हैं। तो इतना था हमारा यहाँ पर काम। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब बटन लग जाएंगे तो बिल्कुल ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अब हमने गला बनाना शुरू करना है। तो गला बनाने के लिए हमने इस साइड से शुरू करना है। ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो मैंने हुक में पा लिए थे, तो इनको ऐसे ले लेंगे। पहले 7 फंदे ये हैं मेरे, कम से कम यहाँ पर मेरे, ये देखिए यहाँ पर मेरा शोल्डर है, 20 फंदे तो मेरे इस साइड होने चाहिए कम से कम। एक दो ऊपर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, 7 ऑलरेडी हैं, तो कोशिश करूँगी मैं एक आधा ऊपर करने की। तो उसके बाद बैक साइड से देखते हैं कि कितने फंदे उठाए जाते हैं, और 20 फंदे ही हमने दूसरी साइड से भी लेने हैं, दोनों साइडों से हमने सेम लेने हैं फंदे। वैसे हमने पहले धागा अटैच कर लेना है, एक हो गया, यहीं से इसको बंद कर देंगे, बाद में ऐसे आगे कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। 2 इसको साथ साथ लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर मेरा शोल्डर आ गया है, ये देखिए शोल्डर तक मैंने 15 उठाए, 7 मेरे पीछे रह गए, 15 और 7 22
22 फंदे हो चुके हैं मेरे, 22 फंदे ही मैं दूसरी तरफ से उठाऊंगी और बैक साइड से भी मैंने ऐसे ही इसी के साथ साथ फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल इक्वल गैप है, कहीं मैंने टाइट नहीं किया, कहीं लूज नहीं किया, तो ऐसे ही हमने फिनिशिंग से आगे भी फंदे सारे उठा लेने हैं और गला बनाना शुरू कर देना है। मेरे सारे फंदे उठ चुके हैं गुलाई में, गुलाई में मैंने 100 फंदे उठाए हैं, 22 फंदे दोनों साइड, 22 22 44 और 56 फंदे मेरे फ्रंट में उठे हैं। मेरे टोटल फंदे हैं जो 100 हो चुके हैं, इन्हीं में मैंने गला बनाना है। तो मेरा गला बहुत सुंदर बनेगा उम्मीद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा खुला खुला बने। अगर ज़्यादा हम टाइट बनाएंगे तो छोटे बच्चे के गर्दन को टच करता रहता है तो इरिटेशन हो जाती है, तो इसलिए मैंने 100 फंदे उठाने की कोशिश की थी तो मेरे उठ चुके हैं। तो अब हम इनको गार्टर स्टिचेस के द्वारा ही बनाएंगे, यानी कि दोनों साइड हमने सीधा सीधा बनाना है। 10 सिलाइयाँ डालनी हैं, 10 सिलाइयों के बाद हमने इसको बंद कर देना है। तो गला बनाना शुरू करते हैं, हम धागा पीछे कर लेंगे और सीधे सीधे हम फंदे बुनना शुरू करेंगे। ये जो नीडल ली है मैंने, ये 12 नंबर की ली है मैंने। पहले सारा प्रोजेक्ट मैंने 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है, लेकिन गला मैं 12 नंबर की सिलाई पर बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि 12 नंबर पर ही बुलाया जाए। तो ऐसे हमने सीधा सीधा बुनते हुए 10 सिलाइयाँ डाल लेनी है और उसके बाद बंद कर देना है। हमारा गला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। तो देखिए कितनी सफाई से बना है और बिल्कुल फ्रॉक के साइज़ का ही बना है, ना बड़ा ना छोटा। बैक साइड से मैंने फिलहाल ऐसे ही स्टिच ही किया है धागे से, ताकि गले की फिनिशिंग नज़र आए, तो बाद में बटन लगा लेंगे। तो अब बात करते हैं बाजू की। तो देखिए बाजू बनाई है मैंने, एक बाजू बना ली है, और इस बाजू का अगर साइज हम मेजर करें तो मैंने ये बाजू की लेंथ है जो 11 इंच रखी है, 11 इंच है मेरे बाजू की लेंथ। और मैंने यहाँ पर 37 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 37 जो करने हैं हमने ऑड नंबर में ही करने हैं, इवन नंबर में नहीं करने, क्योंकि सेंटर में हमने एक यहाँ से डिजाइन शुरू करना है। तो इसीलिए हमें, चाहे आपकी रिक्वायर्ड है कितनी कर लीजिए, और ये वूल पर भी डिपेंड करता है। मेरी वूल जैसे कि मैंने कहा ना, काफ़ी बारीक है दूसरे के मुकाबले, तो मैंने इसलिए इतने ही रखे हैं, और बाकी जो है अपना पता चल ही जाता है कि हमने किस साइज़ की बनानी है। तो इसके लिए मैंने इस बाजू की जो लेंथ यहाँ से लेके जहाँ से मैंने डिक्रीजिंग स्टार्ट की है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 10 इंच है। ये देखिए 1 इंच ऊपर मैंने डिक्रीजिंग की बनाया है, और इस 10 इंच में मैंने 20 फंदे इंक्रीज किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 इंच तक तो मैंने बढ़ाए ही नहीं, जैसे कि देखिए पहला फंदा ऐसे नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से शुरू किया है मैंने, 2.5 इंच के करीब है यहाँ तक जो लेंथ है मेरी। इसके बाद मैंने आगे फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं। वो कैसे किए हैं, इसमें फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे बड़े की बाजू बनानी हो चाहे छोटे की, 5 सिलाइयों के बाद फंदा बढ़ाया जाता है, 5 या 6 सिलाइयों के बाद। जैसे 2 सीधी बना ली, 2 उल्टी बना ली, तो उसी हिसाब से जब 5 या 6 सिलाई आ जाएंगी तो हमने फंदा बढ़ाना शुरू कर देना है। इससे क्या होता है कि बाजू शेप में जाती है।
अगर हम एकदम से फंदे बढ़ा देंगे तो बाजू की शेप ख़राब हो जाएगी। ये थोड़ा छोटा लगता है लेकिन बहुत ही स्टिचेबल बाजू है, देखिए, और बहुत अच्छी शेप आएगी जब पहनी जाएगी। ये देखिए, तो देखने में ऐसे लगता है जैसे काफ़ी छोटी है, पतली है, आएगी नहीं, तो वैसे ही लगता है स्ट्रेचेबल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना लिया है, 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। सेंटर में मैंने मार्कर लगा लिया है क्योंकि हम यहाँ से डिजाइन शुरू करने वाले हैं। डिजाइन हमारा पुराने वाला ही है जो हमने बॉटम में डाला है फ्रॉक के फ्लेयर में, तो वही डिजाइन हम बनाएंगे। तो पहले हमने 18 फंदे बना लेने हैं, 18 की बजाय हम 16 ही बनाएंगे क्योंकि 2 फंदों में तो हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। ऊपर से डिक्रीजिंग मैंने जो की है 3-3 की है, 3 बार मैंने 3-3 फंदे कम किए हैं, और उसके बाद जब हम आए हैं तो मैंने सारे फंदे एकदम बाइंड ऑफ कर दिए। यही ट्रिक मैंने अप्लाई की है बाजू में और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्कर आ रहा है, इससे पहले हमने ना 2 फंदे लेने हैं, जैसे कि हम पहले भी लेते हैं 2 फंदों का एक करेंगे दाग अपनी तरफ किया। इस मार्कर को हटा देते हैं। अब दाग अपनी तरफ करके इस फंदे की दोनों साइड हमने जाली डालनी है, जैसे हमने इस साइड 2 का 1 किया, इस साइड भी हम 2 का 1 कर लेंगे। और आगे हमने जो 16 फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी। ये था बाजू शुरू करने का तरीका। और 2.5 इंच या 2 इंच के करीब आपने देख लेना है, उसके बाद फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। एक बात और मैं बता दूं, जब हमारे यहाँ पर 11 फंदे हो जाएंगे सेंटर में, यहाँ से शुरू किया है हमने, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू किया है, जब हमारे यहाँ पर 11 फंदे हो जाएंगे तो हमने ये वाला पैटर्न शुरू कर देना है। तो मैंने सेम बताया हुआ है, पहले सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग से नहीं किया। और जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे हम डिजाइन डालते जाएंगे और बाजू की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ एक बाजू, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आप भी बनाइए और बाद में हम इसको सिलाई करके दिखाते हैं कि कैसे लगती है हमारी फ्रॉक। तो हमारी दोनों बाजू बन के रेडी हो चुकी हैं और मैंने स्टिच भी कर ली है। देखिए ऐसे यहाँ पर मैंने शोल्डर स्टिच किए हैं दोनों साइड, और जो पूरी बाजू है वो भी मैंने बहुत फिनिशिंग से स्टिच की है। ये देखिए, जैसे कि मैंने चैन से चैन मिलाते हुए दोनों को स्टिच किया है, दोनों साइड सेम मैंने ऐसे ही स्टिच किया है, और पूरी फ्रॉक को मैंने बहुत स्मार्टनेस से ही स्टिच किया है कि जैसे हमारा पैटर्न जा रहा है आगे पीछे का एक दूसरे के साथ मैच हो जाए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये फ्लेयर है नीचे का, तो यहाँ पर देखिए ये मेरी सिलाई है। तो देखिए मैंने यहाँ से भी कली मैच की है, दोनों साइड मैंने ऐसे ही मैच की है। तो हमारी फ्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बैक साइड में मैंने ऐसे डोरी डाल के पॉम पॉम लगा दिए हैं एडजस्ट करने के लिए, बटन नहीं लगाए अभी, तो बटन बाद में लगा लेंगे। तो मेरी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल फिट आएगी। ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है, देखने में छोटी लगती है लेकिन ये हमारा जो पैटर्न है ऐसे बनाया है हमने कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।